अगर आप चाहते हैं कि आपकी चैनल के वीडियो वायरल करना है, ऐसे में बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं नए यूट्यूबर के लिए, जो कि 4000 घंटा फर्स्ट टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनके पास एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं होता है। जिन लोगों के पास एक्टिव सब्सक्राइबर होता है वो लोग तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कोई भी नए यूट्यूबर के पास एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है। सो आपको मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वीडियो कैसे वायरल कर सकते हैं, और जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक ऐसा ट्रिक कोई भी नहीं बताया है। सो इसको जानने के लिए बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। सो मेरा नाम है शमसुल आलम, टेक्निकल आलम चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको एक बात जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि वीडियो कब वायरल होता है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो, कोई भी वीडियो उसी वक्त वायरल होता है जबकि उसमें ऑडियंस रिटेंशन 50% से ऊपर जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका 5 मिनट का वीडियो है, वहाँ पर 100 व्यूज आया है, कम से कम ज़्यादातर लोग वहाँ पर 3 मिनट या 2.5 मिनट से ऊपर देखे, 2.5 मिनट या 3 मिनट तक देखा है ज़्यादातर लोग, तो वो वीडियो वायरल होने का चांसेस है। तो अब बात आते हैं, तो हम लोगों को वायरल करने के लिए ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा करना होगा। तो हम आपको बताएंगे ऑडियंस रिटेंशन कैसे हम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे जहाँ पर बोल रहा है कि आप जब बड़ा बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो बनाए ताकि आपको वॉच टाइम ज़्यादा मिले, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक गलत है। क्योंकि मान लीजिए जैसे कॉमेडी वीडियो का टॉपिक अलग है और टेक वीडियो का जगह अलग है। कॉमेडी वीडियो ज़्यादातर लोग ही ज़्यादा देखते हैं, 50% से ऊपर ही देखते हैं, क्योंकि उसमें अलग एक इंटरेस्ट है इसलिए देखता है। और जो टेक वीडियो है इसमें जिन लोगों को ज़रूरत होता है सिर्फ वही लोग देखता है टेक वीडियो, और आपके पास तो एक्टिव सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप अगर लंबा वीडियो बनाएंगे तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग ही कम देखता है, यानी कि 50% से कम ही देखता है। मान लीजिए 100 व्यूज आया है, वहाँ पर 30% या 40%, ज़्यादा से ज़्यादा 40% लोग आपका वीडियो 50% से ऊपर देखेगा, और 60% या तो 70% 50% से कम देखेगा। तो ऐसे में आपको क्या होता है, नुकसान हो जाता है, वीडियो वायरल होने में ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता है, वीडियो वायरल होने का चांसेस कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप जैसा कि आपके वीडियो में बहुत सारे लोग वीडियो में क्या करता है, फर्स्ट टाइम से ही इंट्रो वगैरह लगा लेते हैं। मैं भी लगाता था, लेकिन अब से छोड़ दिया हूँ, लगाऊंगा इंट्रो वगैरह, सब्सक्राइब इंट्रो सब कुछ लगाऊंगा, लेकिन यानी कि बाद में लगाऊंगा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, जब मेरे पास 50-60 हज़ार सब्सक्राइब एक्टिव सब्सक्राइबर हो जाएगा तब मैं लगाऊंगा। पहले आपको क्या करना है, छोटा वीडियो बनाना है। छोटा वीडियो इसलिए बनाना है कि जब कोई भी आपके वीडियो, यानी कि मान लीजिए आपने 2 मिनट का वीडियो बनाया है, जो कोई भी आपके वीडियो को क्लिक करे आपके वीडियो में जाता है, कम से कम तो 1 मिनट तक देखता ही है। थोड़ा कुछ लोग हैं जो लोग 1 मिनट में क्लिक करता है और निकल जाता है, और बहुत लोग ऐसा होता है क्लिक करता है 1 मिनट देखता है निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो लोग 1 मिनट या 2 मिनट तक देखता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई आपके वीडियो क्लिक करे कम से कम तो एक मिनट या 1.5 मिनट तक तो आपका वीडियो ज़रूर देखेगा। अगर 1.5 मिनट तक देखे तो आपका वीडियो अगर 3 मिनट का है तो 50% तक देख लिया। तो ऐसे करके क्या होता है, ज़्यादातर ही लोग क्या करते हैं 50% तक देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपके वीडियो ज़्यादातर लोग 50% से ऊपर देखता है तो आपके वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। जब भी आपके वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है तब वो वीडियो वायरल होने का ज़्यादा चांस रहता है। सो मैं आपको एग्जैक्टली 100% श्योर होकर नहीं बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो वायरल होगा ही होगा, लेकिन ये ट्रिक आपके लिए, आपके वीडियो वायरल करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा ये ट्रिक आपके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया है, और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना, और मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे कि मैं अभी बोला हूँ कि छोटा वीडियो बनाइए, कम से कम इतना छोटा बनाइए कि आपको, आप जो भी टॉपिक पर बना रहे हैं उस टॉपिक को अच्छी तरह लोगों को समझाए, और डायरेक्टली आप उसको शुरू नहीं कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट में कुछ तो थोड़ा कुछ बोलेगा। जैसे कि शुरुआत में बहुत तरह तरह की चीज़ बोलते हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करने वाले, उस टॉपिक पर बात करने, इसके ये करने वाला, वो करने वाला, इतना मत बोलिए। छोटा सा सिंपल सा एक शुरुआत कीजिए कि मैं आज आपको बताऊंगा कि वीडियो वायरल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो की शुरुआत किया हो, सो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, या तो किसी अलग तरह के फॉलो कीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इंट्रो होता है
वो आप छोटा कीजिए, और वीडियो के जो मेन मेन बात होता है, जो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात होता है, उसको अच्छी तरह लोगों को समझा दीजिए, आपका वीडियो वायरल होने में ज़्यादा चांसेस रहेगा। कम से कम तो 1.5 मिनट 2 मिनट तक वीडियो लोग देख ही लेगा, तो क्या होता है आपको ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। जब भी ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है आपके वीडियो वायरल होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। 100% नहीं बोल रहा हूँ, और ये मुझे विश्वास हो रहा है कि 100% के बराबर ही विश्वास हो रहा है कि ये ट्रिक आपको काम आएगा। मुझे भी काम रहा है, क्योंकि मुझे भी जब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह, यानी कि वॉच टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे कि 10 व्यूज़ आ रहा है, 10 व्यूज़ में यानी कि 2 मिनट का वीडियो है, तो कम से कम तो 10 मिनट 11 मिनट 14 मिनट तक आता है वॉच टाइम, तो 20 मिनट की जगह 10 मिनट से ऊपर आता है, यानी कि कम 50% ऑडियंस रिटेंशन आ जाते हैं छोटा वीडियो में। सो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।